हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। वेल, आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और देखो मैं सीख गया, लेट्स गो रिकॉर्डिंग अच्छे से करना, छोड़ो। तो गाइस, आज हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट। और क्या बोलते हैं, आज हम लोग कुछ क्लच करेंगे, मतलब जैसे कि हाईएस्ट वाटर बकेट क्लच, वो बोट क्लच ड्रीम का, और वगैरह वगैरह। और देखते हैं कैसे चलता है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा वीडियो, लेट्स गो। तो आ चुके गाइस, जैसे कि मैंने बोला था, आज हम लोग क्लच करेंगे सारे। और देखते हैं इंट्रोडक्शन का सच होता है कि नहीं। 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। ओके, वो भाई हो गया है पहली बार में। भाई असली में गाइस पहली बार में हो गया ये, हो ही नहीं सकता मुझसे पहली बार। ओ डायमंड, ओए मैं इतना क्रिएटिव में ट्रिक डाउन कर रहा था और डायमंड इधर ही मिल गया। गाइस पहली बार में हो गया। वीडियो का अभी खत्म करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, अभी और क्लच करेंगे, जैसे कि बोट क्लच, हॉर्स क्लच, हॉर्स राइडर क्लच, इतना ही करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना क्यों करें इतना कम। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लच। ओके गाइस, तो ओके गाइस, आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट क्लच में। और ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है बोट क्लच, मुझे ना स्पैम क्लिक करना पड़ेगा इसमें, लिटरली बोल रहा हूँ। बोट क्लच सबसे मुश्किल है। बोट लगाओ, बोट के अंदर बैठो, अगर नहीं हुआ नहीं होगा। लेट्स गो, 1, 2, 3 ठीक है, 3। हाँ मैं क्रिएटिव में था, तो ये मेरा हो गया। स्पैम क्लिक किया मैं, मेरा हो गया था स्पैम क्लिक वाला। क्या है भाई, क्यों करता ये सब। अब तो ये भी मुझे क्या, एक और ट्विस्ट आ गया यार, हट कर लो बस, वापस चलो ऊपर। इलाइट्रा पहनना चाहिए, इलाइट्रा खर्च भी करेंगे, जो कि मैंने बनाया स्पेशली लास्ट में। हम लोग लास्ट में इलाइट्रा क्लच भी करेंगे, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, इलाइट्रा क्लच करेंगे। ओके, मेरा आइडिया आया इलाइट्रा क्लच के लिए आइडिया आया। ओके, पहले सर्वाइवल तो कर लूँ, ये मोड सर्वाइवल। तो ओके गाइस, सर्वाइवल हो चुका है, और स्पैम क्लिक करना पड़ेगा। 3 नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। Highest boat clutch, 3, 2, 1 let's go, spam click। अबे ये क्या किया, अबे नहीं नहीं नहीं, oh no, मेरा वही चला गया boat, पास कर रहा हूँ, नहीं मेरा boat चला गया, no, अच्छा ओके भाई, कोई बात नहीं, है chance, दो chance बाकी है, ये सब, इसके लिए मतलब 500-600 और मिनट है, क्योंकि guys ये सबसे मुश्किल है, मैंने क्या किया था पहले पिछले बार। ओके 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 चलते हैं। अबे यार मेरे ही, मेरा चांस जा रहा है सारे। ओके, 3 स्पैम क्लिक मैं दोनों हाथ से करता हूँ। 3, 2, 1 लेट्स गो। अबे कहाँ मैं जा रहा हूँ यार, प्लेन में जाना पड़ेगा मुझे, हट हो ही नहीं रहा, मैं बोलता नहीं हूँ, कॉन्सेंट्रेट कर रहा। लेट्स गो, अबे बोट तो प्लेस हो रहा, कितना बेइज्जती कर रहा है यार, बोट ही नहीं प्लेस हो रहा। मुझे लग रहा ना ये जाने वाला है हाथ से, लग रहा है मुझे हाथ से जाने वाला है। बस की बात नहीं है क्योंकि जितना मतलब दबाना पड़ता है ना, हाथ दर्द होने लगता है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है इसलिए। और गाइस हो गया, मैं कितना स्पैम क्लिक किया, लिटरली गाइस बहुत मुश्किल है, डोंट ट्राई। ओके,
चलो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास ओके ठीक है, नेदर में चलते हैं। चलो तो आ चुके हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन से वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा था। वेल मेरा डेस्कटॉप खराब हो गया था और मैं इतना दिन से ये मिस कर रहा था। और गाइस फाइनली आ चुके कि इधर गाइस फटाफट से गेम मोड क्रिएटिव में चले जाते हैं। गेम मोड सर्वाइवर सॉरी क्रिएटिव हो गया मैंने। ओके लेट गो, 1 2 3 लेट गो। अबे मैं कहाँ चला गया? ओके इधर से सीधा साइडल वाले में कूदेंगे। मैंने स्पॉन किया और मैं मर गया, पेटो में डटना है मैं मर गया। ओके कोई बात नहीं मैं इधर ही स्पॉन। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतने सारे घोड़े क्यों स्पॉन किए, क्या होते हैं मैं आपको बोलूँगा। ओके मैं पहले सैडल लेता पता चला मैं क्या होता है ज़ॉम्बी फाइट के लिए इनके ऊपर वाले बार पहले कर दो। ओके हो गया नहीं मैं नहीं सुनूंगा गाइस। मैं इतना स्पॉन कर रहा था क्या होते हैं स्ट्राइडर सारे ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन रह रहे थे। मैंने क्या लिया, मैंने नेदरराइट की स्वॉर्ड ली, सीधा ठोकना चालू किया मैंने उनको और मुझे इतने सारे सैडल मिल गए और मैं एक के ऊपर में बैठ गया। देखो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि है हॉर्स से रिलेटेड। तो लेट्स गो। तो ओके गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे घोड़े क्यों स्पॉन किए। वेल आज हम करेंगे घोड़ा क्लच। गाइस किसी को लोग को नहीं पता होगा कि घोड़ा क्लच क्या होता है, तो मैं आपको क्रिएटिव में बता देता हूँ घोड़ा क्लच ऐसे होता है। कौन मारा गुरु को पहले टाइम सेट कर लेता वरना वो लोग आने लगे। क्या होते हैं क्रीपर दादा सेट जीरो से हमको डे हो जाता है। ओके लेट्स गो। अब हम लोग करने जा रहे हैं सर्वाइवल में घोड़ा क्लच। बहुत से लोग करते हैं पर मैं अभी करने जा रहा हूँ घोड़ा क्लच। फिर हम लोग GMASP क्लच करेंगे जो कि क्लाइट्रा क्लच है और वैसे मैं तो बच गया पर सारे घोड़े फिट गए सारे। तेरी पेंसी क्यों नहीं रहा। ओके गाइस ये तो नहीं हुआ पर ठीक है कोई बात नहीं। अब हम लोग करने जा रहे हैं गेमर मोड क्लच, लेट्स गो। तो गाइस अब हम लोग करने वाले हैं गेमर मोड क्लच, लेट्स गो। इलाइट्रा क्लच को मैं गेमर मोड क्लच बना दिया पर कोई बनाया नहीं है इलाइट्रा क्लच और मैंने बनाया है इसलिए मैंने गेमर मोड क्लच रख दिया। पर असली में इलाइट्रा क्लच है तो हमको करना क्या है पहले मैं समझा देता हूँ और आपको दिखाई देता हूँ सीधा। हमको 3 चांस मिलेगा क्योंकि मैंने बनाया है ये थोड़ा इजी है। 3 2 1 लेट्स गो। बाय बाय अब लो ठीक है ऐसे करना पहनो। ओके 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 मैंने कर लिया पहली बार इजी था बट आज ओ भाई ओके गाइस तो आज के लिए काफी होपी लाइक द वीडियो सब्सक्राइब करना शेयर कर देना अपने दोस्त और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको थोड़ा सा भी ये अच्छा वीडियो लगा और लाइक जरूर कर देना। क्या होता है पहले मैं नीचे चला रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मेरा सिस्टम लैग हो रहा है क्योंकि ऐसे ही हो रहा है। गाइस देखते हैं और सब्सक्राइब कर देना और मैं बोला था अगर आपको ये अच्छा थोड़ा सा भी लगा तो सब्सक्राइब कर देना और अगर ये पूरा वीडियो मतलब आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय बाय। मेरा खत्म हुआ रॉकेट्स। ओके मैं लैंड हो सकता अगर मैं लैंड हो गया तो लाइक वो बहुत इजी है लैंड होना तो थोड़ा सा डैमेज खाऊंगा पर नहीं हुआ तो इसी बात में लाइक कर देना। बाय बाय। आपको पता है मेरा स्क्रीन ही दिख रहा होगा क्योंकि गाइस मैं थोड़ा हवा में आपको थोड़ा साइड का बैकग्राउंड दिख रहा होगा। मैं लैंड हो गया सेफली और मुझे कोई चोट नहीं लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।